हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेन कैलकुलेशन के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि क्रेन का रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बूम की लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और क्रेन बूम की जो हाइट है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने ये क्रेन है जिसका बूम लेंथ है 15 मीटर और उसकी बूम हाइट दी गई है 10 मीटर। अब हमें इस क्रेन का रेडियस निकालना है, तो चलिए देखते हैं कि इसका क्रेन रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पता ही होगा। आज हम उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि जो राइट एंगल के अपोजिट साइड में होता है उसके बराबर होता है उसकी बाजू वाली जो दो साइडें हैं उसका स्क्वायर उसमें प्लस किया जाता है, यानी कि हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाता है। तो वो उसका पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस पाइथागोरस का थ्योरम अब हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशंस के ऊपर। तो अब जो आपके सामने ये जो क्रेन है इसमें दिखाई दे रहा है कि इसकी जो बूम लेंथ है वो है 15 मीटर और उसका बूम हाइट जो है वो है 10 मीटर। अब हमें इसका क्रेन रेडियस कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, बूम लेंथ उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस बूम हाइट का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि रेडियस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बूम हाइट है ये हमें शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ पर बूम लेंथ है, यानी कि अदर साइड हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू बूम लेंथ का स्क्वायर माइनस बूम हाइट का स्क्वायर। अब ये तो रेडियस स्क्वायर है लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेडियस का स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे बाजू, रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बूम लेंथ स्क्वायर माइनस बूम हाइट स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए अब हम ये फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्रेन का रेडियस कितना मिलता है। जैसे कि हमें पता है कि बूम लेंथ जो है वो है 15 मीटर और हमारी बूम हाइट जो है वो है 10 मीटर। तो चलिए अब ये जो वैल्यू है ये हम फार्मूला में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो हमारा रेडियस बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125। तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 जो हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा 11.18, यानी कि 11.18 मीटर जो है वो हमारा क्रेन का रेडियस है। तो इस प्रकार हमने पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करके हमने यहाँ पर क्रेन का रेडियस फाइंड आउट किया है, जिसमें हमें बूम लेंथ पता था और हमें बूम की हाइट पता थी। इसके बेसिस के ऊपर हमने क्रेन का रेडियस जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट किया है, तो वो आया है 11.18 मीटर। तो ठीक इसी प्रकार ये जो फार्मूला है बूम लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस बूम हाइट स्क्वायर, तो इसका सहारा लेकर इसका इस्तेमाल करके हम जो है अभी बूम लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए जानते हैं। तो बूम लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर प्लस बूम हाइट स्क्वायर। तो ये जो है ये बूम लेंथ का यहाँ पर फार्मूला बन जाता है। अभी हम इसमें वैल्यू जो है वो पुटअप करते हैं कि हमारे पास अभी क्रेन का रेडियस पता है और बूम की हाइट पता है। अब ये जो वैल्यू है ये हम फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें बूम लेंथ क्या मिलता है। तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11.18 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 प्लस 100, और फिर उसके बाद इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो 225 का स्क्वायर रूट आता है 15। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें बूम लेंथ जो है वो मिलता है 15। चलिए अब जानते हैं कि बूम हाइट को हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें फार्मूला मिलता है बूम हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बूम लेंथ स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बूम हाइट निकालते हैं तो हमें फार्मूला मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ बूम लेंथ स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें बूम लेंथ पता है और रेडियस पता है तो हम बूम हाइट जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 11.18 स्क्वायर। तो यहाँ पर बूम लेंथ जो है वो है 15 और रेडियस जो है वो है 11.18। तो यहाँ पर इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 225 माइनस 125 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर 10। तो यहाँ पर बूम की हाइट जो है वो हमें मिलती है 10।
तो इस प्रकार आपको जो है ये जो फार्मूला है इसकी मदद से बूम रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बूम लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और बूम हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अच्छे से पता चल गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा क्रेन कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें हमने जाना कि क्रेन रेडियस, बूम लेंथ और बूम की हाइट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।